तो दोस्तों पहला पार्ट आपने अगर देख लिया है तो दूसरा पार्ट देखने का तभी मजा आएगा। अगर नहीं देखा है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहला पार्ट देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। मेरे को बाद में ये मत बोलना कि यार तुमने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, ठीक है। तो गियर बॉक्स के बारे में समझा चुका था सब कुछ मैं, अब आपको पूरे फुल इंजन के बारे में बताऊंगा, फिट कैसे करते हैं, डीपली नॉलेज इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अभी फटाफट से हम आपको पार्ट्स फिटिंग का बताता हूँ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो सिलेक्टर ड्रम मैंने फिट कर दिया, फटाफट से वीडियो को तेजी से स्टार्ट करते हैं, पर टाइम जल्दी जल्दी मैं बचाने की कोशिश करूँगा, ख़राब नहीं करूँगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इसकी साफट को अंदर दबाएंगे और याद रहे चैम्बर का जो बैरिंग है वो प्रॉपर सही होना चाहिए, अगर वो ख़राब होगा तो नया डलवा दें, उसमें प्ले होगी तो नहीं डाल दें। और जब ये सिलेक्टर नए मतलब आपकी गियर बॉक्स जो है फिट हो जाए तो आपको क्या करना है, इसको जैसे कि आप देख रहे हो घुमा रहा हूँ मैं एक साइड, तो घुमा के देखना। देखो यार चार बार घूमना चाहिए, चार बार उस साइड घूमे, चार बार इस साइड घूमे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गियर आपके फर्स्ट क्लास काम करते हैं अगर चार बार घूमे तो। ये जो आपका गियर ड्रम है ये, अब ये हमारी क्रैंक जो है, हम इसके क्रैंक को ऑयल ऑयल लगा के इसको फिट कर देंगे जैसे हम फिट करते हैं, ठीक है। मैग्नेट वाला हिस्सा नीचे रहेगा क्योंकि हमारा मैग्नेट वाला हिस्सा नीचे है, और ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये हमारी क्रैंक जो है फिट हो चुकी है, बहुत इजी वे में कर रहा है आपको फिट जो है इंजन। अगर मैं इस इंजन को फिट कर रहा हूँ तो आपको जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। ये पिंडाउल है हमारी, ये पिंडाउल अगर ख़राब हो तो नहीं डाल दें, बट ये भी फ़िलहाल सही है। ये पिंडाउल होती हैं गाड़ी के चैम्बर में से ऑयल डीजल लीकेज ना करे, इसलिए ये पैकिंग है। अगर पैकिंग आपके पास है तो आप बॉन्ड लगाओ, बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड मंगवा लो, पर बॉन्ड यूज़ करो क्योंकि चैम्बर पैकिंग में बॉन्ड ज़रूरी होता है लगाना, ठीक है भाई। तो हमने इसको लगा दिया है, फटाफट से इसका चैम्बर लगा देंगे हम इसका, ये हमने इसका चैम्बर लगा दिया। चैम्बर बहुत इजी है, किक को पीछे की तरफ बैठा के रखें जैसे कि मैं किक देख रहे हो आप, और उसके बाद चैम्बर को नीचे की तरफ धक्का देते हैं, चैम्बर अपने आप बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके मेन चैम्बर के बोल्ट टाइट कर देंगे, सारे 8 नंबर के ये वाले जितने भी मेरे हाथ में बोल्ट हैं, ठीक है। ये वाले बोल्ट फटाफट से टाइट कर देंगे, इस बोल्टों को आराम आराम से क्लॉकवाइज टाइट करना है आपको। ये स्प्रिंग इसकी चेक कर लें, गेयर शाफ्ट हमारी है, अगर इसकी स्प्रिंग चटकी हुई है ख़राब है तो नहीं डाल दें, बहुत आसानी से स्प्रिंग चेक हो जाएगी जैसे होती है। मैं नहीं चाहूँगा वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम ख़राब हो, इसलिए मैं मेन पॉइंट पॉइंट वाली चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा। अब इसकी हमें वो लगाने हैं, इसके रोलर लगाने हैं, चार रोलर होते हैं इसके, चार बड़े और दो छोटे, ठीक है। तो हमारे जो चार रोलर हैं वो लग जाएंगे, और उसके बाद हमारे ये स्टार लग जाएगा गेयर ड्रम के ऊपर जो स्टार होता है, ये बहुत ईजी होता है, इसमें कोई उल्टा सीधा सिस्टम नहीं होता, ये आप आराम से समझ जाओगे जब आप फिट करोगे। ये हमारा गेयर डॉग है, अगर गेयर डॉग ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी के जो गेयर हैं वो अटकेंगे बहुत ज़्यादा। गेयर डॉग ख़राब ऐसे होता है जैसे ये दूसरा वाला आप देख रहे हो, ये ख़राब पीस है, हम इसको नहीं लगाएंगे, देख रहे हो बिल्कुल बुरी तरह ख़राब हो चुका है, हमने इसको ना लगा के हमने ये लगाया है। जब गेयर डॉग आप नया लोगे तो स्प्रिंग आपको पुराने वाले डॉग की लगानी पड़ेगी, नई वाले में नई स्प्रिंग नहीं आती है। तो ये हमने फटाफट से इसको फिट कर देना है, जिस तरीके से आप देख रहे हो इस तरीके से फिट करना है, बोल्ट को टाइट करते रहे, अपने आप डाउन हो जाएगा वो, ठीक है। अब ये हमारे क्लच हाउसिंग के पीछे जो उसके पीछे वार्सल लगती है, ये वो वार्सल है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, इसको जैसे आप चाहो वैसे लगा सकते हो। अब हम बुश लगाएंगे क्लच हाउसिंग का, सबसे पहले हम स्क्रीन फिल्टर लगा देते हैं, छोटा वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, बड़ा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। और अब हम लगाएंगे इसका क्लच हाउसिंग और साथ में बुश। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ क्लच हाउसिंग कटा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो, इसको कटा हुआ है ये सही करना पड़ेगा, अगर आप ये सही नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी के गियर जो है बहुत अटकेंगे, जाम होंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी जो है मैंने स्टैंड लगा देता हूँ न्यूट्रल पर रहती है, तो मतलब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो पीछे वाला पहिया घूमता है, तो भैया वो इसी वजह से घूमता है। तो ऐसे में क्या करना, आपको ग्रेंडर से सेट कर देना, अगर आपका हल्का कटा हुआ है तो, ज़्यादा कटा हुआ है तो ऊपर का हाउसिंग नया डाल दें, कम कटा हुआ है तो आप इस तरीके से ग्राइंड कर दें जिस तरीके से मैं इसको करूँगा। देखो मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा इस चीज़ में, अगर आप इस तरीके से इसको ग्राइंड करते हो तो आपके पैसे बचेंगे। दूसरी बात, आपको जो हाउसिंग की प्रॉब्लम जो आ रही है गियरों की, वो प्रॉब्लम सही होगी, गाड़ी गड़गड़ गड़गड़ नहीं करेगी। जैसे आधा क्लच हम दबाते हैं गाड़ी को आगे भगाने की सोचते हैं, तो वो आगे भागने के से पहले गड़गड़गड़ करती है, गड़गड़ाहट होती है उसके अंदर, वो नहीं आएगी, वो इसी वजह से आती है। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी के अंदर ये क्लच हाउसिंग में कटा हुआ है, गड्ढे पड़े हों, तो आप आराम से इसको कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी और जगह ले जाए, घर पे ही अपने खुद मतलब अपनी वर्कशॉप के अंदर कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है तो यार मुझसे पूछ लो, मैं मना नहीं करूँगा, मैं आपको बता दूँगा कमेंट में, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, अगर एक चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या होगा मेरा, क्योंकि यार एक इंसान की जो नॉलेज होती है वो जब भी बढ़ती है, जो सामने वाला बंदा उसको प्यार देता है, उसको नॉलेज को बढ़ाने के लिए मोटिवेशन देता है, और मेरा मोटिवेशन आपका सब्सक्राइब है, एक सिर्फ एक सब्सक्राइब आपका मोटिवेशन जो देने का तरीका है, बस एक सब्सक्राइब का है बस।
देखो ये हमारा हॉजिंग जो है ग्रैंड हो चुका है, और हम देखो आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमने हॉजिंग को ग्रैंड किया है। ये देखो ये एकदम प्लेन हो चुका है, एकदम मस्त है। आपको ज़्यादा नहीं करना है ग्रैंड, बिल्कुल हल्का सा गड्ढा उसका हटा देना है बस, और इससे कोई भी दिक्कत आपकी गाड़ी में, हमारा जो क्लच हॉजिंग है उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम इसको ग्रैंड करते हैं। अब हम इसके अंदर प्राइमरी गियर लगाएंगे, ठीक है। प्राइमरी गियर के अंदर अगर निशान आ जाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। निशान के बारे में आपको बता ही चुका हूँ इसमें, पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बुश लगा दिया है इसका। बुश में कोई उल्टा सीधा नहीं होता, जैसे मर्जी चाहो आप लगा सकते हो। क्लच हॉजिंग मैंने फिट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसकी वार्सल लगाएंगे, इस वार्सल के अंदर कोई उल्टा सीधा नहीं होता, आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। और ये दो कट वार्सल होती है दोस्तों, एक बार मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ, उसमें ग्रीस मत लगाना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर ग्रीस लगाओगे वो ग्रीस जो होती है वो ऑयल में घुलती तो है नहीं, वो क्या करती है छेदों को बंद कर देती है और ऑयल सप्लाई बंद कर देती है, जिस चक्कर में गाड़ी हीट करती है बहुत ज़्यादा। तो आप ग्रीस बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ना ही क्लच कवर की ठेसी लगाते समय करें, ना ही ये वार्सल लगाते समय करें। जिस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ उस तरीके से फिट करना गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही ग्रीस की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा क्लच हब है, ये क्लच हब एकदम ठीक है, और हम आपको बताएंगे। मैं साइड पे साइड प्लेट बोलता हूँ इसकी, क्लच प्लेट और हब के सेंटर की, वो साइड पे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखो हमने इसकी प्लेट लगाई है क्लच प्लेट, और अब हम इसकी प्रेशर प्लेट लगा देंगे। फ्लैट वाला जो हिस्सा है वो हमें दिखना चाहिए जब हम फिट कर रहे हैं इसको, तो ठीक है। और अब हम इसकी क्लच प्लेट लगा देंगे। क्लच प्लेट के अंदर एक कोड वर्ड दिया होता है, वो कोड वर्ड आपको दिखाई देना चाहिए जब आप क्लच प्लेट फिट करो, आपको ऊपर की तरफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से क्लच प्लेट दिखा रहा हूँ उस तरीके से फिट करनी है, और फटाफट से इसको फिट करने से पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसमें सेंटर लगाया, देखो मैं एक चीज़ चेक करूँगा, देखो प्ले, ये प्ले जो मैं चेक कर रहा हूँ ये प्ले आपको ध्यान से चेक करनी है। अगर ये प्ले कम है तो इसको पलट के लगा दें, बट इसको प्ले को जरूर चेक करें, ठीक है। ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको फिट कर दूँगा फटाफट से, इसका बोल्ट टाइट कर दूँगा और इसकी वार्सल इसमें लगा दूँगा। वार्सल के अंदर उल्टा सीधा होता है, कहीं आप सोचोगे उल्टा सीधा नहीं होता, वार्सल में बिल्कुल उल्टा सीधा होता है। जो वार्सल का गड्ढे वाला हिस्सा वो नीचे रहेगा और ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो है ऊपर रहेगा, मतलब ये क्या उठ जब जैसे कि आप देख रहे हो इस तरीके से वार्सल लगेगी, ये देखो, ठीक है। ताकि वार्सल जब बोल्ट टाइट करें हम तो वार्सल आप टैम्पर में रहे और गाड़ी के जो बोल्ट है हमारा, वो जो नट है हमारा, वो टाइट रहे, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल चूड़ी का बोल्ट है जो है, अब हम इसको टाइट कर देंगे नट को, ठीक है। अब हम इसकी स्प्रिंग लगाएंगे, इस स्प्रिंग में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, कहीं आप फालतू में परेशान हो जाओ कि यार ऐसा है वैसा है, तो ठीक है। तो हम इसकी अब होल्डर प्लेट लगाएंगे। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी के अंदर क्लच बार बार लूज होने पर टाइट हो जाता है, ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है, तो इससे होल्डर प्लेट का बैरिंग चेंज कर दें। ये हमारा जो है कटोरी है क्लच हो जाएंगी, इसमें ऑयल भर रहता है ताकि गाड़ी का इंजन क्लच प्लेटों को ऑयल मिलता रहे टाइम टू टाइम। इसमें एक छेद, आप रोटर फिल्टर के अंदर छेद होता है, उस छेद को जरूर साफ़ करें। अगर छेद आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो आप ध्यान से देखो, छेद दिखेगा आपको आपके पास अगर है तो, ठीक है। इस छेद को बहुत ध्यान रखना है, इस चीज़ को खोल के रखना है, क्लीन करना है, ठीक है ना। ये वैक्यूम के लिए होता है ताकि हीट ना करे हुए रोल्टर फिल्टर जो है। और ये मेरी वार्सल है वो लग गई है, अभी हमारा प्लेट है ऊपर की, इसकी लगा दी हमने। अब इसकी पैकिंग बोर्ड लगा दिया, इसको फिट करेंगे फटाफट से, इसको फिट कर दिया हमने। और ये है हमारा होल्डर प्लेट का बैरिंग, तो इस बैरिंग को भैया आप ध्यान रखना, अगर इसमें प्ले है तो चेंज कर दें, ना तो फिर रहने दें, ठीक है। अब इसका क्लच कवर लगाएंगे, और क्लच कवर लगाने से पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों आपको मैं। ये हमने पैकिंग लगाई है बॉन्ड के साथ, बॉन्ड जो आपको ध्यान रखना है इसमें लगाना है, और इसकी दो पिन डाउन लगानी है इसके अंदर। जब दो पिन डाउन लगाओगे तो क्लच की पैकिंग इधर उधर नहीं भागेगी और लीकेज के बहुत कम चांस होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाओगे तो गाड़ी के इंजन को फिट करने के बाद दिक्कत आने लगेगी। ये देखो मैंने इसके अंदर ठेसी लगाने से पहले ग्रीस व्रीस बिल्कुल भी नहीं लगाई है, और ये साफ सूफ करके मैं फिट कर रहा हूँ। काफ़ी लोग होते हैं यार ग्रीस का यूज़ करते हैं, तो ग्रीस का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ठीक है। स्प्रिंग वगैरह चेक कर लें, क्लच रिसीवर स्प्रिंग जिसे कहते हैं। ये देखो मैंने इसमें ग्रीस नहीं लगा रखी है, और मैं इसको फिट कर दूंगा और इस रिसीवर को पीछे की तरफ खींचूंगा ताकि जो हमारा जो ये जो है ठेसी है बाहर नहीं आएगी। देखो मैं इस तरीके से खींचूंगा जिस तरीके से आप दिख रहा है, ये देखो मैंने पकड़ा और खींच के रखा और इसकी ठेसी बाहर नहीं निकलेगी। तो आपके क्या करना है, यही सेम करना है। ज़्यादातर लोग हैं ग्रीस लगा देते हैं उसमें, उससे क्या होता है नुकसान होता है गाड़ी में। अब हम इसके फटाफट से बोल्ट टाइट कर देते हैं। ये हमारे क्लच के बोल्ट हैं, इस बोल्टों को टाइट करने के बाद अब आपको दिखाते हैं हम सिलेंडर किट, ठीक है। सिलेंडर किट में जो गैप आप देख रहे हो, ये गैप इतना ही होना चाहिए हर रिंग का, जितनी भी रिंग होती है हमारी। ये देखो आप दिखाई दे रहा होगा आपको रिंग, यार रिंग का गैप जो दिखाई दे रहा है, इतना ही रिंग का गैप हर गाड़ी का होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी ऑयल रिंग है जैसे कि आप देख रहे हो, अब हम इसका पिस्टन फिट करेंगे जिस तरीके से आप दिख रहे हैं आपको। ये जो पिस्टन है इसमें उल्टा सीधा होता है, मैं आपको दिखा दूंगा, आप जब फिट करोगे गाड़ी को तो फिल्टर आपको जो पिस्टन है वो आराम से दिखाई दे जाएगा। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, इस चक्कर में थोड़ी सी आवाज़ मेरी कम आ रही है, अगर आपको दिक्कत आए तो यार इसके लिए माफ़ कर देना, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बोलने की। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं आपकी ये ऑडियो सेट कर रहा हूँ इसके अंदर,
ठीक है, ये जो हमारी स्प्रिंग लगा रहे हैं हम, इसकी जो स्प्रिंग हमारी सरिंग होती है जिसे हम एक्सपेंडर रिंग बोलते हैं, इसको जब आप लगाओ तो एम दिखाई देना चाहिए आपको। बाकी दोस्तों एम या डब्ल्यू यार कुछ भी लगाओ यार, आपको सही बता रहा हूँ मैं, रिंग का गैप अच्छा होना चाहिए बस। अगर रिंग का गैप अच्छा है और बोर अच्छा हुआ है ना, तो सही बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आती गाड़ी के अंदर, और आपकी सेटिंग अच्छी है, फिटमेंट अच्छी है। तो ठीक है भाई, तो ये जो है आपको क्रॉस बाई क्रॉस रखना है। जैसे एक्स बनाओगे ना आप, एक्स तो एक्स में जब बनाओगे तो जिस तरीके से एक्स बनाओगे ना पेन से, उसी तरीके से आपको रिंग रखनी है, ठीक है। और इसमें उल्टा सीधा रखना है आपको, जिस तरीके से आप देख रहे हो। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको रखना गैप। अब कोई सी भी रिंग किधर भी रख सकते हो आप, इसकी टेंशन नहीं है। मतलब कोई इतना बड़ा डरना वरना मत यार, होता है ना बंदे इंजन फिट करने का बांध देते हैं फिर डरते हैं बाद में, तो ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे होते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत है फोन कमेंट करके पूछ लेना यार, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना मैसेज करके। ये जो रबड़ की ओरिंग लगाई है मैंने, ये आपको ध्यान रखना है, ये चिरू लगानी है। अगर नहीं लगाओगे तो फस 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 आवाज़ आएगी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये पिन हम गजन पिन लगा देंगे इसके अंदर, और एक लॉक लगा देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो लॉक लगा देंगे फटाफट से इसका हम। और फटाफट से इसको आगे करके आपको दिखाते हैं इसका हेड फिट करने का तरीका, ठीक है। अब हमने इसकी लोहे की पैकिंग लगाई है, इस लोहे की पैकिंग के अंदर कॉलर वाली पिन डाउन नहीं लगती है, सिंपल पिन डाउन लगेंगी दो, एक ऊपर एक नीचे, और एक ये ओरिंग लगेगी। अगर आप लोहे की ओरिंग लगा रहे हो इसके अंदर तो याद रहे, अगर लोहे की ओरिंग लगा रहे हो तो वो फुल किट जो आप यूज़ कर रहे हो वो ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर लोकल हुई तो लोहे की रिंग आपको दोबारा निकलनी पड़ जाएगी, फिर आपका नुकसान होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर मैंने एक चीज़ बता दी आपको ध्यान से, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आप एक इंजन बांध रहे हो यार, इंजन बांधते समय जब कस्टमर पैसा लगाता है गाड़ी के अंदर तो बहुत ध्यान से लगाता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। क्योंकि वो बार बार पैसा नहीं लगाएगा आपके पास, एक मैकेनिक ऐसा इंसान होता है जो कस्टमर मैकेनिक में बहुत बिलीव करता है, इसीलिए अपनी गाड़ी का इंजन खुलवाता है। नहीं तो वो कंपनी में भी जा सकता है, कंपनी का तो नाम अलग होता है, पर वो बाहर खुलवाता है क्योंकि उसे भरोसा होता है मैकेनिक के ऊपर कि यार ये मेरी गाड़ी का इंजन फिट कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से फिट करेगा, अपनी गाड़ी समझ के काम करेगा। तो भाई इसी तरीके से आपको काम करना है, यही समझ के करना है कि यार बस मेरी अपनी गाड़ी है खुद की, मेरे को खुद चलानी है गाड़ी, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने इसकी टाइमिंग चेन को फंसा दिया है क्रैंक के अंदर, और पिस्टन हमारा टॉप पर है। अब हम इसके इस पॉकेट को लगा देंगे। आप सोच रहे हो इस पॉकेट इतनी जल्दी लगा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसी तरीके से हेड सिलेंडर को फिट करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो सामने, मैंने इसका टी पॉइंट जो है पूरा टॉप पर रख रखा है पिस्टन को, और इसका टी पॉइंट जो मैंने मिला रखा है, ठीक है ना। देखो ये क्रैंक का टी पॉइंट मैंने मिला रखा है, इस तरीके से आपको टाइमिंग मिलानी है, ठीक है। और एक और तरीका टाइमिंग है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने ये लगाना ध्यान से निकल गया था, तो मैं लगा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इसके बगैर ये बोल्ट लगेगा नहीं, पार्ट में दिक्कत आएगी फिर आपको, ठीक है भाई। तो ये पार्सल आपको देखनी है, अगर ये पार्सल ख़राब हो तो नहीं डाल दें, अगर पार्सल सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अगर नहीं ख़राब मतलब ख़राब पार्सल लगा दो तो लीकेज की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये इस तरीके से आपको फिट करना है। और ये मैंने इसकी जो है इसमें पिन बैच का डाल दिया। सबसे पहले मैं इसकी टॉप की जो प्लेट है ऊपर की वो टाइट करूँगा पैकिंग लगा के। ये पैकिंग का जो नक्का देख रहे हो ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर रहेगा, अगर आप नीचे रखोगे तो पैकिंग की दिक्कत आएगी लगाने में आपको, इस तरीके से लगाना। बॉन्ड यूज़ करना हल्का सा, इसमें एग्जॉस्ट वाला निशान जो है साइलेंसर की तरफ रहेगा आपका, ठीक है। ये लिखा हुआ है एग्जॉस्ट के साइलेंसर की तरफ रहेगा, अगर आप गलत लगा दोगे लग तो जाएगी, गलत ऐसी बात नहीं है, फिर बाद में लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। तो ये बारीक बारीक चीज़ें अगर ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत आएगी। इसमें पीतल की पार्सल एक होती है वो आपके नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने जहाँ पे लगाई है। और अगर पार्सल इसको पीतल को पार्सल को कहीं और लगा दोगे तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि जो पीतल की पार्सल दे रखी होती है वो हेड के अंदर ऑयल आता है, अगर वो ऑयल ऊपर ना आए लीकेज ना हो, इसीलिए पीतल की पार्सल दी हुई है वहाँ पर, बाकी सब जगह लोहे की पार्सल दी हुई है। आप इसके बोल्टों को फटाफट से टाइट कर देते हैं और इसको टाइमिंग को फिट करते हैं, और आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी चीज़ टाइमिंग की, तो किस तरीके से टाइमिंग मिलाते हैं। तो भाई हमारी ये टाइमिंग तैयार हो चुकी है, देखो यहाँ सामने देख रहे हो आप, ये छोटा सा जो कट देख रहे हो इसके सामने जो हमारा टी जो पॉइंट है वो है, और ये जो मैग्नेट में आप देख रहे हो टी लिखा हुआ है सामने, ये जो टी लिखा हुआ है ये सामने बिल्कुल गाइड के सामने से अटैच है, ठीक है। अगर आपके पास पिस्टन टॉप है आप देख नहीं देख पाते हो तो आपको इस तरीके से देखना। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ आप सब चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करना, और आगे मिलते रहेंगे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।